हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या नाम मैम आपका? डॉक्टर सिमरन शिवहरे। शिवहरे मैम, आज आपको अभी कितने दिन मेरे साथ में ड्राइविंग सीखते हुए हो गए हैं? मुझे 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन हो गए। आपने अभी क्या क्या चीज़ें मेरे से सीखा 6 दिन में? कि गाड़ी स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके बाद क्लच और ब्रेक एक्सेलरेटर को यूज़ कैसे करते हैं, स्टीयरिंग हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और ठीक है, अभी आपने 6 दिन में कौन कौन से गियर पे कार को अपनी चलाई, कौन कौन से रास्ते पे चलाया? मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गियर पे अपनी गाड़ी चलाई है, और हर तरह के रास्तों पे सर ने चलवाया है। कैसा कंट्रोल रहा आपका अभी, कैसा कॉन्फिडेंस रहा आपका? पहले दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं चला पा रही थी, फिर सर ने सब कुछ अच्छे से समझाया और इसके बाद आज मैं ठीक से चला रही हूँ। गुड। तो सबसे पहले हम लोग अगर कार को चलाना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कार है, अगर हमें कार को चलाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्लच दबाएंगे, इसके बाद आप अपनी इंजन को ऑन करेंगे। ठीक है, इंजन ऑन करने से फिर क्या, पहले क्या करेंगे हम लोग, एक बार हम लोग गियर चेक करेंगे। जैसे कि हो सकता है आपसे पहले आपके घर में मम्मी पापा भैया भाभी जो कोई भी है, या आप किसी दूसरे के कार चलाए, आपके फ्रेंड, तो उन्होंने गियर पे ही कार को छोड़ दिया हो, कई बार होता ना वो गियर पे होता है वही ला के खड़ी करते, वो गियर न्यूट्रल नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग गियर को चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कोई गियर लगा हुआ है तो अभी लगा हो तो उसको न्यूट्रल कर देंगे हम लोग, ये गियर न्यूट्रल, अगर गियर ये न्यूट्रल है तो ये राइट लेफ्ट जाएगा, गियर लीवर हमारा फ्री रहेगा। अगर कोई सा भी गियर लगा हो तो ये राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। मेरी कार में तो इतना भी जा रहा, नई कोई कार होगी तो वो इतना भी हिलेगा भी नहीं, है ना। कोई सा भी अगर गियर लगा, मान लीजिए हमने 4th गियर लगा तो ये हिलेगा भी नहीं, है ना। मेरी कार में गियर लीवर में इतना प्ले है, ठीक है। तो एक बार हम लोग गियर चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लच दबा के स्टार्ट करते हैं इंजन को, क्योंकि अब जो नई कार आ रही है वो बिना क्लच के इंजन नहीं स्टार्ट होता मैम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लच दबाया, मतलब कि आपने क्लच दबा लिया है, अभी फिर से हम लोग इंजन स्टार्ट करेंगे। अभी इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार आप चेक कर लेते हैं कि आपका राइट मिरर और लेफ्ट मिरर आपका बढ़िया से एडजस्ट है, जैसे कि आपके पीछे से ई रिक्शा आ रहा है ना, तो आपको दिख रहा है ई रिक्शा आ रहा, आपको दिख रहा ना जी, तो ऐसे हमारा मिरर राइट और लेफ्ट के एडजस्ट होने चाहिए हमारे तरीके से, हमें घूमना ना पड़े, है ना, हमें हिलना ना पड़े, और हम अपने ड्राइविंग सीट पर बैठ के सिर्फ नज़रें घुमा करके और हम देख लें पीछे से कौन आ रहा और वो किस साइड से आपको ओवरटेक करना चाह रहा है ना। फिर उसके बाद हमारा बैक मिरर भी होता है, तो हम लोग बैक मिरर को भी एडजस्ट कर लेते हैं अपने तरीके से, है ना, अपने तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलाना स्टार्ट करते हैं। आपने इंजन स्टार्ट कर लिया है, है ना, सीट बेल्ट का तो अभी ज़्यादा कोई इशू नहीं है, बहुत हम लोग ट्रैफिक में तो जाएंगे नहीं, तो आपने लगाया भी नहीं है। जब आप अपनी कार चलाना तो सीट बेल्ट को भी लगा लेना, अगर आप मेरी कार में भी लगाते हो सीट बेल्ट तो आपकी हैबिट बन जाएगी सीट बेल्ट लगाने की, है ना। तो हम लोग फर्स्ट गियर अब लगाएंगे फर्स्ट गियर। अब जब आपने गियर लगाया, फर्स्ट गियर चलाना स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग क्लच को कितनी स्पीड में छोड़ेंगे? आप लोग क्लच को बहुत स्लोली छोड़ेंगे, और फिर हाँ मतलब कि इतना स्लो छोड़ेंगे कि हमारे कार के जो इंजन है उससे आवाज़ या हल्का से वाइब्रेट ना करना चाहिए, अगर हल्का से भी वाइब्रेट किया तो आपका इंजन बंद हो जाएगा फर्स्ट गियर में, ठीक है। हल्का सा भी वाइब्रेट नहीं, ठीक है, हल्का के क्या ना वाइब्रेट, है ना, हल्का करके अगर थोड़ा सा ज़्यादा और करेगा तो वैसे जैसे वाइब्रेट करने लगे फिर क्लच को हल्का सा वहीं के वहीं रोक लो या होल्ड कर लो, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो आप एक्सीलेटर दबा रहे हो ना, उसको छोड़ देंगे और ब्रेक पे पैर रख लेंगे, अगर लगता है तो आप हल्का सा ब्रेक भी लगा सकते थे, थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लगा सकते हो, अगर ज़्यादा आपकी स्पीड है तो आप हल्का सा ब्रेक भी लगा सकते हो। अभी हम लोग सीधा स्ट्रेट जाएंगे, अभी हम लोग फर्स्ट गियर चला रहे हैं, आगे एक छोटा सा और स्पीड ब्रेकर है उसको निकलने के बाद फिर हम लोग सेकेंड गियर में कार को ले लेंगे। यहाँ पे आ गए ना हम लोग, अभी ब्रेक पे पैर रखो, राइट वाला पैर ब्रेक पे, हल्के का ब्रेक दबो और दबो बस, अभी ब्रेक छोड़ दो आप हल्का का एक्सलेट करो और बड़ा हल्का का, अभी एक्सलेट छोड़ दो, क्लच दबाओ और सेकंड गियर लगा लो। आपने कितनी स्पीड पे सेकंड गियर लगा लिया? 15+, है ना। आपको लगा कि अब थोड़ा सा इंजन आवाज़ करने लगा है या आपने स्पीड भी देख लिया, ठीक है, फिर आपने सेकंड गियर लगा लिया।
अभी बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड। ठीक, अब जैसे कि आप सेकंड गियर लगा लें तो सेकंड गियर में हमारी कितनी स्पीड रहनी चाहिए, मैंने आपको बताया होगा है ना, सेकंड गियर में 20 से 30 या 35 तक। गुड गुड, ठीक है। धूप तो नहीं लग रही मैम आपको? धूप तो लग रही है। अच्छा चलिए, कोई बात, अब कार चलाना है तो धूप में ही चलाना होगा ना थोड़ा सा। चलो अब बढ़ाओ हल्का और बढ़ाओ हल्का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई भी रास्ते पे कार को चलाते हैं तो हम लोग राइट साइड पकड़ते हैं। राइट साइड किस लिए पकड़ते हैं, अगर वन वे है तो हम लोग राइट साइड पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कार में किस साइड बैठे हो, राइट साइड बैठे हो, तो हमें राइट साइड का इस जगह लेके चलना होता है, ठीक है। अगर आप राइट साइड का लेके चलोगे डिवाइडर लाइन पे तो उस साइड से कोई निकलेगा नहीं, तो आपका एक साइड सेफ रहेगा, बचेगा आपका लेफ्ट वाला साइड, है ना। तो जब लेफ्ट वाला साइड से जब पीछे से लोग निकलेंगे तो खुद ही अपना बचाएंगे, वो अपना भी बचाएंगे और हमारा भी बचाएंगे, है ना, दोनों बचा के वो खुद निकलेगा। और अगर आप बीच में चलोगे तो आपको खुद बचना होगा और दूसरे को भी बचाना होगा, तो इसलिए हम लोग राइट साइड में चलते हैं। या फिर जिस रास्ते पे हम लोग चलें, थोड़ा सा बड़ा रास्ता है, वहाँ पे वाइट पट्टियाँ, डबल वाइट पट्टियाँ पड़ी हैं, डबल वाइट पट्टियाँ मतलब कि तीन रास्ते वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे अगर तीन रास्ते तो फिर हम लोग बीच वाले रास्ते में चलते हैं। बट यहाँ पे अभी कोई रास्ता नहीं, यहाँ पे एक सिंगल रास्ता है, तो इस पे हम लोग राइट साइड लेके चलेंगे, है ना। अभी बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड, आगे एक छोटा सा फिर से स्पीड ब्रेकर मिलेगा मैम, तो उसको भी आपको पार करना है। ज़्यादा ब्रेक मत लगाना, अगर ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ता है तो हाफ क्लच भी आप लगा सकते हो। हाफ क्लच में क्या होगा कि कार आपकी उछलेगी नहीं, जंप नहीं करेगी, है ना, आपकी कार वहाँ पे जंप नहीं करेगी। अभी बड़ा हल्का हल्का स्पीड, तो आपको ड्राइविंग सीखना कैसे लगा कि आपको ड्राइविंग सीखी जाए मैम? मुझे ड्राइविंग सीखना था क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट सबको होना चाहिए और सबको ही ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर सब लोग मैम ड्राइविंग ही सीख लेंगे फिर ड्राइवर क्या करेंगे, जिनके आपके घर पे वो ड्राइविंग कर गए, है ना, एक महीने का 10,000, 15,000, 12,000 रुपये कमा के अपना घर परवा चलाते, तो उनका क्या होगा? अगर सब लोग ड्राइविंग ही सीख लेंगे तो फिर उनका क्या होगा? छोड़ो ब्रेक, कहने दो, बड़ा वाला लगा। अब जैसे कि ड्राइवर आप रखते हो, ठीक है, तो एक ड्राइवर की टाइमिंग होगी, है ना, वो ड्राइवर अब अपने टाइम से आएगा और फिर अपने टाइम से चला जाएगा, आपका क्या काम है क्या नहीं उसे नहीं मतलब है, है ना। और अगर आप अपना खुद से ड्राइविंग सीख लोगे तो आपको जब दिल चाहा जहाँ चाहा वहाँ निकल गए, है ना, कहीं भी निकल गए, है ना। गट अभी हम लोग सीधा स्ट्रेट जाएंगे, तो आपको ड्राइविंग सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा मैम? एक ड्राइविंग स्कूल ढूंढना था, एक ढूंढना था बस। हाँ, बस एक ही ढूंढना। अच्छा ठीक है, फिर मैंने चेक करा रिव्यूज और रेटिंग्स, तो आपके स्कूल की अच्छी थी तो मैंने एनरोल करा लिया। गुड, फिर आपने ड्राइविंग सीखना स्टार्ट किया। मैंने एक्सपीरियंस। अभी आपके घर पे कौन सी कार है मैम? मेरे घर पे किया सेल्टॉस और एल्टॉस है। गुड, तो दोनों साथ में कार चलाएंगे या एक-एक चलाएंगे? चलाएंगे तो कैसे चला रहे? गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग पहले जैसे किया सेल्टॉस है, अल्टोस है, तो अल्टोस पहले चलाएंगे, है ना। बट यहाँ भी शायद आपके पास नहीं रहा ना? नहीं, मेरी अभी आ जाएगी। आ जाएगी, गुड, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। जॉब का क्योंकि आपका बढ़िया कंट्रोल है, अब आप अपनी कार चला सकते हो, है ना। लेकिन अभी जैसे कि मैंने तो बोल दिया कि आप अपनी कार चला सकते हो, बट आप तक क्या कॉन्फिडेंस लगता है कि आप चला सकते हो, या अभी आपको आपके अंदर डर बैठा हुआ है, है ना, इसको आप ही डर दूर कर सकते हो, है ना, चला चला करके धीरे धीरे चलाते जाओगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बनता जाएगा, हर एक दिन एक नए रास्ते पर जाओगे, हर एक दिन एक नई चीज़ सीखोगे आप, है ना। बड़ा हल्का हल्का स्पीड, जैसे कि ये छोटा सा स्पीड ब्रेकर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी स्पीड तो पहले से ही कम है, तो बहुत हल्का सा अगर होगा तो बहुत हल्का सा टच करना पड़ेगा बस, ठीक है, बढ़िया, बड़ा हल्का का स्पीड। बहुत हल्का सा लेफ्ट, ठीक है, देखो यहाँ से अभी हम लोग पहले से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड कर लिए ना, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़े, थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ेगा बस, अभी एक्सीलेट मत करना, आप करो हल्का हल्का एक्सीलेट, कर बड़े बड़ा हल्का हल्का स्पीड। अब लेफ्ट साइड में रखना,
यहाँ पे देखो ना 2 से 3 वाहन आ चुके हैं ना आपके राइट साइड से, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रास्ते पर रॉन्ग साइड आएंगे, तो रॉन्ग साइड का मतलब कि वो आपके राइट साइड से ही निकलेंगे, तो आपको फिर लाइन चेंज कर लेनी चाहिए, आपको फिर लेफ्ट साइड में चलना चाहिए मैम। आगे से हम लोग राइट टर्न करेंगे, गुड सिग्नल दे दो मैम राइट का, ब्रेक पे पैर रखेंगे इस गोल चेकर से हम राइट टर्न करेंगे। अब इतना भी ब्रेक मत लगाना कि आपकी कार वहाँ पे खड़ी हो जाए, है ना। अगर शिफ्ट स्लो करना तो हम लोग रास्ते में कार खड़ी नहीं कर सकते, खड़ी करेंगे तो पीछे ट्रैफिक लग जाएगा, है ना। गुड, अब सीधा करो आप छोड़ दो, पढ़ो हल्का हल्का स्पीड। गुड, अभी सीधे जाना है, पढ़ो हल्का हल्का स्पीड। गुड,